नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, जो कि हर व्यक्ति नॉर्मली कर सकता है, और गुलदाउदी के पौधे उगाना आपको दिखाऊंगी। गुलदाउदी के पौधे जब दिसंबर और जनवरी का महीना रहता है तो इतने सुंदर इसमें फूल आते हैं कि एकदम आंखें तृप्त हो जाती हैं, इतने सुंदर फूल आते हैं। तो उसकी तैयारी हमें अभी से कर देनी होती है। हालांकि मैं ये थोड़ी लेट में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप अगर इससे पहले भी इसको लगा लिए होते तो और भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये अगस्त का महीना है, इस समय जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग लगाई जाती है, तो अगस्त का महीना चल रहा है, इस समय फटाफट से आप कटिंग लगा लें। अगर आपके पास इसके पौधे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जब सीजन में नर्सरी में इसके पौधे आएंगे तो आप फटाफट से इसके पौधे ले आइएगा और उसे सेव करके रखिएगा। ये पूरे साल चलने वाले पौधे होते हैं, फूल इसमें एक बार दो बार ही आते हैं। तो ये देखिए, इसका मदर प्लांट है इस तरह से। ये पिछले साल के मैंने कई गमले इसके रखे हुए हैं और ये एक उठा के ले आई हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाऊंगी भी। तो इसे मदर प्लांट कहते हैं गुलदाउदी का। तो इसी प्लांट से हम एक साथ बहुत ढेर सारे पौधे बनाएंगे और इसमें से कटिंग निकाल निकाल के कैसे लगानी है और उनकी क्या देखभाल करनी है और खाद भी बताऊँगी कि इसमें क्या खाद कैसे कैसे देनी रहती है। बहुत नॉर्मली ये उग जाते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, पूरे साल चलने वाले पेरेनियल प्लांट हैं। फूल बस यही है कि आपको दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत, और एक पौधे में हजारों हजार फूल लोगों ने लिए हैं और मेरे यहाँ भी बहुत फूल आते हैं। और जब सीज़न आता है विंटर का तो ये गुलदाउदी अपने आप में बहुत प्यारा प्लांट होता है और आपको नर्सरीज में इसके पौधे इस समय हालांकि पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिए, ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप एक बार लाते हैं तो आप इसे सेव करके रखें। पिछला जो प्लांट होता है, पिछले साल के जो प्लांट जिन्होंने रखे हैं वही इनकी कटिंग लगा पाएंगे। तो इसकी कटिंग हमें कैसे लगानी है अभी इसके बारे में जानते हैं बहुत ईजिली तरीके से, और मैंने लगाया भी है, अभी मैं अपडेट भी दूँगी इसी वीडियो में। तो किसी भी गमले में आप अच्छे से मिट्टी भर लें, नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें कोई ठीकरी रख दीजिए उल्टा करके, जैसा कि मैं आपको अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि मिट्टी कैसे लगानी है। तो जब इसके लिए मिट्टी बनाएं तो बहुत ज़्यादा खाद वाली मिट्टी नहीं बनानी चाहिए और एकदम भुरभुरी सी मिट्टी इसके लिए कटिंग लगाने के लिए बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी बना देंगे तो क्या है, जड़ें ही विकसित नहीं हो पाएंगी। तो ये देखिए, ये बहुत भुरभुरी सी पिछले साल की जो मिट्टी है जिसमें कि राइस हस्क मिला हुआ है और पहले की गोबर की खाद मिली हुई है और मिट्टी है, सेम वही रेशियो ऐसे का ऐसे ही है। इसमें कोई खाद मैंने अलग से नहीं मिलाई हुई है और इस तरह से आप इसको मिला करके इसमें भी प्लांट लगा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इसको इजी करना हो तो जैसे कि ये देखिए, गमले हमने लगाए हुए हैं और इसके ऊपर देखिए ये बालू है, थोड़ा बारिश हुई थी हमारे यहाँ तो ये भीग गए हैं, तो ये बालू की लेयर हम लगा देंगे इसमें 2 इंच की, जैसे ऐसे गमले भरे और बहुत ज़्यादा बालू भरने की ज़रूरत नहीं है, ये बस 2 इंच का ऐसे बालू भर देंगे। क्या है कि ये जो रेत होती है, रेत में कटिंग बहुत ही अच्छी चलती है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका, और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास बालू नहीं हो तो सिंपल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, सिंपल मिट्टी में भी मैंने लगाया है। ये आपको तरीका बता रही हूँ कि ये बहुत ही ईजी तरीका है और इसमें बहुत ही अच्छे प्लांट ग्रो होते हैं। तो इसमें क्या करना है, ऐसे मिट्टी हमने नीचे तक भर ली क्योंकि बहुत छिछला पॉट जो नर्सरी वाले होते हैं, छिछले पॉट में उसकी ऊंचाई केवल 4 इंच की होती है, उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये पूरी ये जो बालू की लेयर उन्होंने लगाई रहती है तो वो बस केवल 4 इंच की रहती है। तो उतना अगर हम ये देखिए इस तरह से, ये बड़ा गमला है, गहरा है, तो नीचे मैंने मिट्टी भर दी, ऊपर से ऐसे बालू लगा दिया। अब ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार, अब हम इसमें कटिंग लगाते हैं। तो जब हम कटिंग लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कटिंग हमें नहीं लेनी है, बहुत ही छोटी छोटी सी कटिंग हम लेते हैं, एकदम छोटी छोटी सी कटिंग आप लगाएंगे और एक प्लांट से बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये जितने भी प्लांट हैं देखिए, अब ये क्या करना है, इतनी छोटी सी देखिए कटिंग मैंने ली हुई है। अब इसके जो नीचे के पत्ते होते हैं इसको मैं ऐसे हटा दूंगी, आप चाहें तो कैंची से भी हटा सकते हैं, हाथों से भी हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैं हटा करके तब आपसे मिलती हूँ, ऐसे इसको इस तरह से ऐसे हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने ऊपर की देखिए पत्तियाँ नीचे से ही हटा दी हैं, केवल ऊपर की 2-4 पत्तियाँ ही रहने दी हैं। तो इसमें बस हमको ऐसे ये 1 से 2 नोड के करीब में, ये जो नोड जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, इसे आप कम से कम इतना इतना आपको मिट्टी के भीतर लगा देना है ताकि जड़ें आने में कोई दिक्कत ना हो।
और यूं पूरी तैयारी से ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद थोड़ा इसमें पानी दे सकते हैं, चाहे तो आप फंजीसाइड वाला पानी भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फंजीसाइड पाउडर मेरे पास है भी, लेकिन ऐसे नॉर्मली भी बहुत अच्छे से लग जाता है। कोई फंजीसाइड पाउडर आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरह से ऊपर की पत्तियाँ, नीचे की पत्तियाँ हटा देते हैं, ऊपर की एक दो पत्तियाँ बस रहने देते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाए। और इसे छायादार थोड़ी जगह में रखना है, ब्राइट लाइट जहाँ आती हो, धूप ना आती हो, तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और ऐसे ही मैंने देखिए ये लगा दिया है, तो ये मैंने बालू में लगाया है, आप नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ऐसे लग गया, और इसके ऊपर स्प्रेयर से ही हल्का हल्का पानी दे देंगे, छायादार जगह में रखेंगे, ये 3-4 दिन में ही आप देखेंगे ग्रो हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही हो तो इस समय अगर आप लगाते हैं तो ये जो पत्तियाँ ये एकदम बिल्कुल मुरझाती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहती हैं। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ये लग गया। अब इसे छायादार जगह में रखते हैं। अब अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ जो पहले इसके लगाया हुआ है वो उसके क्या हाल हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ये लगाया हुआ है, अभी इसको लगाए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ते हुए हैं, और ये बहुत ढेर सारी देखिए कटिंग तैयार हो गई है। इसमें बिल्कुल भी पत्ते सूखे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, और बिल्कुल हरे भरे हैं। हालांकि अभी जड़ें नहीं आई होंगी, जड़ें आने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और इसे 1 महीने 1.5 महीने तक ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से ट्रांसप्लांट करिएगा। तो जब ट्रांसप्लांट की वीडियो भी आएगी, अब इसमें खाद क्या देनी है हमें, जैसे अभी 1 हफ्ते हो जाएंगे इसको, अभी जब 1 हफ्ते हो जाएंगे इसको, पत्तियां इसकी पूरी हरी भरी हो जाएंगी और नई नई जो कोपले हैं निकलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ नोड एरिया जो होता है, यहाँ से जब नई नई पत्तियाँ आपको दिखाई देने लगें तो आपको इसमें थोड़ी सी DAP डालने हैं, यानी इतने बड़े गमले में, ये लगभग 6 इंच का गमला है, और इतने बड़े गमले में 10-12 दाने आप DAP के जगह जगह ग्रेन्यूल्स इसके गिरा दें। DAP के अलावा आप इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट भी दे सकते हैं, दोनों ही अच्छा काम करेंगी, केवल देना लेकिन एक ही है आपको, चाहे आपके पास DAP हो तो DAP दे दीजिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो तो वो भी दे दीजिए। गुलदाउदी में सिंगल सुपर फॉस्फेट के अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये एकदम बच्चा प्लांट है, तो इसमें बहुत ग्रेन्यूल्स जो हैं बहुत कम कम के देने हैं। तो ये आपको देने का जो रेशियो रखना है, ये आपको हर 15 दिन में ये केवल यही अभी DAP देने की ज़रूरत है, जिससे कि इसकी जड़ें मजबूत हों। और जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर आगे की वीडियो में बताऊँगी कि क्या करना है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।